छतरपुर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कृषि कार्य के लिए आरक्षित ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत और ईंट का अवैध परिवहन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान उन्होंने आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त भी किया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर आरटीओ विक्रमजीत सिंह ने बताया कि कृषि कार्य में दर्ज ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज कार्रवाई की गई है और महोबा रोड से लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यदि इनका व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। देखिए, इस संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो कृषि में दर्ज ट्रैक्टर हैं, जिनके द्वारा जो कृषि में पंजीयन कराया गया है, उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। काफी दिनों से संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, कुछ समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे जाके ये जो महोबा रोड पे ही ये कुछ 6-7 ट्रैक्टर थे जिनमें ईंट भरी हुई थी, जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, इन सबको हमने जब्त किया। इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज अभी तक हमारे को प्रस्तुत नहीं किए हैं। जब ये हमें दस्तावेज दिखाएंगे, हम उसमें जांच करेंगे। अगर ये सब कृषि प्रयोजन के लिए होंगे और उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही साथ में हमने 3 ट्रैक्टर जो हैं रेत वाले पकड़े हैं, जिनमें रेत भरी हुई थी और पात्रता से अधिक जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसमें रेत भरी हुई है, और वो भी ट्रैक्टर उसमें से कुछ एक ट्रैक्टर शायद व्यावसायिक में दिख रहा है, बाकी जो है वो भी प्राइवेट में दिख रहे हैं अभी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार रेत के जो ट्राला चल रहे हैं।